प्रैक्टिकल है. यूजिंग ए सिंपल पेंडुलम प्लॉट एल वर्सेस टी एंड एल वर्सेस टी स्क्वायर ग्राफ एंड हेंस फाइंड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम यूजिंग अप्रोप्रिएट ग्राफ. और इसमें अपरेटस रिक्वायर्ड है ए मेटालिक बो प्रोवाइडेड विद हुक थ्रेड क्लैंप स्टैंड प्लेट कॉक स्टॉप वॉच वर्नियर कैलिपर मीटर रॉड एंड पीस ऑफ चाक. साथ कॉर्क की हेल्प से मेटालिक बॉब एक वायर या फिर थ्रेड के साथ अटैच कर देना. वर्नियर कैलिप की हेल्प से इस मेटालिक बॉब का डायमीटर आपने नोट करना है. तो इसकी रीडिंग है 1.9 और जो वर्नियर स्केल का डिवीजन कौन साइड कर रहा है वो है 7th डिवीजन. इस टेबल में आपने ऑब्जर्व डायमीटर ऑफ बॉब जो है वो नोट करना है. तो जीरो एरर अगर वर्नियर कैलिपर का है वो लिख देना है, वर्नियर कांस्टेंट वो भी लिख देना है. स्टॉप वॉच की हम बाद में बात करते हैं. तो ये हमने एक टेबल बनाया है, इसमें मेन स्केल की रीडिंग थी 1.9 और ये वर्नियर कांस्टेंट 7 है. तो ये हमारी हो गई 1.9 प्लस 7 इंटू 0.01, ये हो गया 1.97. करेक्टेड भी यही आएगी क्योंकि एरर कोई नहीं है. एरर देखने के लिए देखो इसको हम वर्नियर कैलिपर को जब दोनों इसके जार्स ज्वाइन करते हैं तो 0-0 के साथ कोइंसाइड करता है, इसलिए कोई एरर नहीं है. तो करेक्टेड भी हमारा डायमीटर यही होगा. तो करेक्टेड डायमीटर 1.97 है. एक और रीडिंग में ये आ रहा है 1.8 आ रहा है और ये जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वो है 5th. 1.8 और 5th. 1.8 आ रहा है और ये 6th आ रहा है. अब इनका मीन निकाल लेना है. तो मीन जो डायमीटर है वो निकाल लेते हैं. मीन इनका मीन निकाल लिया, ये मीन है 1.89 और उसका रेडियस इसका हाफ कर दिया तो 0.95 रेडियस है बॉब का. इसके बाद स्केल की हेल्प से ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है यहाँ से लेकर के इस बॉब के इस एंड तक लेंथ नोट करनी है. लगा लेने इसके 5 सेंटीमीटर बोथ साइड्स. तो डिस्टेंस देखने के लिए करीब करीब मैं इसके 10 सेंटीमीटर तक की ऑसिलेशन देता हूँ. ये 5 सेंटीमीटर इस तरफ लगा दिया और 5 सेंटीमीटर इधर लगा दिया, ठीक है. उसके बाद वो का यहाँ से हमने डिस्टेंस लेंथ जो है इस टैड की वो मेज़र करनी है. तो ये मैं लेंथ मेज़र कर रहा हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक. अभी ये क्योंकि ये है 85 दिए वो है 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 और इन्होंने 5 सेंटीमीटर तक की जो एम्पलीट्यूड रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर. आप चाहो तो इसको 10 सेंटीमीटर भी कर सकते हो. हमने भी 5 सेंटीमीटर तक का एम्पलीट्यूड पे निशान लगा लिए हैं. इसमें हमारी लेंथ है 85 सेंटीमीटर और उसमें हमने रेडियस ऐड करना है जो कि है 0.95 सेंटीमीटर. पेंडुलम को 5 सेंटीमीटर तक ले जाके इसको यहाँ पे हमने छोड़ना है और फिर इसकी 20 ऑसिलेशन के लिए टाइम नोट करना है. ये हमारी स्टॉप वॉच है तो इसमें जो है वो हमारा लीस्ट काउंट बिल्कुल 0, एरर इसका 0 है. डिवीजन इज इक्वल टू 5 सेकेंड. सो 1 डिवीजन इज इक्वल टू 5/25 सेकेंड और इट इज इक्वल टू 1/5 मीन्स 0.2 सेकेंड. लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच हमने एक इस तरफ मार्क किया, 5 सेंटीमीटर हमने इस तरफ किया मार्क. अब हम क्या करेंगे, इसको एक एंड तक ले जाके छोड़ देंगे और जब इसकी कंप्लीट यहाँ पे वापस पहुँचेगा तो एक ऑसिलेशन, ऐसी हम 20 ऑसिलेशन का टाइम. 1, 2, 3, 4,
पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। 35 हमारा कंप्लीट है और इसके बाद 5 सेगमेंट और हैं, मींस 5 5 5 15 15। तो ये हमारी रीडिंग बनी 35 प्लस 15 और इसको हम लीस्ट काउंट 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 35 में, तो ये हुआ 3.0। तो हमारा टाइम बना 38 सेकेंड। तो ये आया हमारा 38 सेकेंड। अब हम उन्हीं 20 ऑसिलेशन को फिर से उनका टाइम नोट करेंगे। ये मैंने सेकंड सेट लिया है, इसमें 20 ऑसिलेशन का टाइम जो है उसमें 35 कंप्लीट सेगमेंट है और 13 जो है वो स्मॉल डिविजन्स हैं। तो इसकी रीडिंग बनी 35 प्लस 13 इंटू 0.2 सेकेंड, ये हुआ 2.6। 35 प्लस 2.6 37.6 सेकेंड, 7.6 सेकेंड्स। अब थर्ड सेट लेते हैं ऐसे ही 20 ऑसिलेशन, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो इसमें है 35 कंप्लीट हैं और 12 सेगमेंट जो हैं वो स्मॉल डिविजन्स हैं 12, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी 35 प्लस 2.4 37.4। इन तीनों का ही मीन निकालेंगे हम। मीन 37.7 आया। अब इसको रेसिप्रोकल इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए इसको 20 से डिवाइड कर देंगे। 7 / 20, तो ये है करीब 1.88 टाइम पीरियड। और इसका स्केयर कर देंगे, अब 1.88 का स्केयर कर देना है और यहाँ पे रेसिप्रोकल कर देना है। इसकी लेंथ जिसमें हमने 85 प्लस इसका जो बॉब का रेडियस था वो ऐड किया था। अब दूसरी रीडिंग के लिए हम इसके डिस्टेंस को बढ़ा देंगे 10 सेंटीमीटर। लेंथ को बढ़ाने के लिए इस थ्रेड को हम 10 सेंटीमीटर और इंक्रीज करेंगे खोल के। रीडिंग आएगी वो आएगी 95 और इसमें रेडियस ऐड कर देंगे 0.95। और सेम लाइन पे 20 ऑसिलेशन के लिए टाइम नोट करेंगे 5 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड। हम अलग अलग लेंथ के लिए टाइम 20 ऑसिलेशन का नोट करेंगे, 3 रीडिंग लेंगे, उनका मीन निकालेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे, स्केयर करेंगे और रेसिप्रोकल करेंगे। उसके बाद ये ग्राफ प्लॉट करेंगे हम टाइम पीरियड और लेंथ के बीच में, एक टाइम पीरियड के स्केयर और लेंथ के बीच में प्लॉट करेंगे। तो ये टाइम जब 2 सेकेंड होगा तो हम उस लेंथ को यहाँ पर नोट करेंगे कितनी लेंथ आई है, वो हमारा इफेक्टिव रिजल्ट होगा सेकेंड पेंडुलम का।